वेलकम फ्रेंड्स। तो आज जैसा कि हम देखेंगे सेंसर्स के बारे में, तो हम पहला सेंसर देखते हैं। पहला है हमारा मोशन सेंसर, तो आइए इसे देखते हैं। तो ये है हमारा मोशन सेंसर और ये कुछ इस तरह से होता है। ये अंदर का पोर्शन है इसका, यही है जो मोशन को डिटेक्ट करता है। तो हम इसे साइड कर देते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा सेंसर। ये है साउंड सेंसर, ये बिल्कुल माइक्रोफोन की तरह है, जैसा कि हम अपने फ़ोन या ईयरफोन से यूज करते हैं। सो ये कुछ इस तरह का है। तो हम देखते हैं अपना तीसरा सेंसर। तो हमारा तीसरा सेंसर है चैनल रेडी मॉड्यूलर का, जिससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, यानी कि रिमोटली किसी भी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और हमारा अगला सेंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर है। सो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है। और अगला है हमारा गैस डिटेक्टर सेंसर, जिससे आग वग लगने पर हमें पता चल जाता है। अगला सेंसर से हमारा वोल्टेज डिटेक्टर, जिससे हम वोल्टेज डिटेक्ट करते हैं। हम किसी और वीडियो में इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस वीडियो पर अभी हम सिर्फ आपको इस सेंसर को दिखाना चाहते हैं। तो अगला जो सेंसर से हमारा वो है टेम्परेचर सेंसर। ये कुछ इस तरह से होता है, ये इसके अंदर इसका पोर्शन है। और ये हमारा अलार्म है, ये एक प्रकार का अलार्म बजता है अगर हमने किसी भी प्रोजेक्ट को बना रखा है तो उसमें लगाते हैं। और अगला जो हमारा सेंसर है वो है वाइब्रेशन सेंसर। ये सबसे बढ़िया सेंसर है, अगर आप चाहते हैं आपके दरवाजे पर कोई आए और पता चले सबको आपको, तो आप इस सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है, ये वाइब्रेशन डिटेक्टर है एंड ये उसके कंपोनेंट्स हैं। और ये वाटर लेवल सेंसर, ये अगर आप ग्लास में किसी कहीं भी सेट कर देंगे तो ये बताएगा कि वाटर लेवल कितना है। इससे ही मौसम विभाग बताते हैं कि आज कितनी बारिश हुई है। और अगला जो सेंसर है ये टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूलर है, तो ये है टेम्परेचर डिटेक्टर। और ये है बायोमेट्रिक प्रेशर सेंसर, ये बायोमेट्रिक प्रेशर डिटेक्ट करता है। तो हम इसे निकाल लेते हैं, ये कुछ इस तरह से है और ये इसमें लगेगा इस तरह से। और ये हमारा डिजिटल टच सेंसर, ये डिजिटल टच है जो कि हम मॉड्यूलर बनाएंगे तो उसमें आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। और ये यही सेंसर है हमारे पास, ये दो है तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अब सेंसर एक और बचा है, रिमोट डिटेक्टर है। इसका प्रयोग भी हम करते हैं कहीं पर, जैसे लाइट वाइट कट गई है तो ऐसे प्रोजेक्ट में, या फिर आग वाग लगी है तो ऐसे प्रोजेक्ट में हम बनाते हैं इसे। तो हमारे पास है ये और कुछ ये, और ये जंप वायर्स हैं जिनका हम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। और ये है इसका बोर्ड एंड ये हमारा आर्डिनो, जिसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। ये हमारा आर्डिनो मेगा 2560 है, ये करीबन 1000 से 1200 रुपये का आपको मिल जाएगा Amazon पर। एंड हम और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है।
और हमारे पास एक डिस्प्ले जिससे हम प्रोजेक्टर बनाएंगे तो इनकी रीडिंग लेंगे, और ये है वायर, इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे इसे लैपटॉप से, इसे हम लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आगे इसे कनेक्ट करके देखेंगे। एंड इसमें हमारे पास हैं कुछ जंप वायर्स, तो हम इसे इसी में रहने देते हैं। सो आगे हम देखते हैं क्या बनाना है।